परीक्षण के। ठीक है, हम प्रक्षेपी विधियों की बात करें तो प्रक्षेपी विधियों में सामान्यतया अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अचेतन मन का अध्ययन भी डायरेक्ट नहीं किया जाता, अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसमें अचेतन मन का अध्ययन अप्रत्यक्ष तरीके से। तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, अपने एटीट्यूड स्वयं न प्रकट करके किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से प्रकट करता है। ठीक है, बात समझने की कोशिश करिए। इसमें व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन होता है, मतलब चेतन मन का नहीं होता, जो वो चेतना में रहता है, जो वो प्रकट हो रहा होता है, जो भावनाएं वो दिखाता है, उसके बारे में अध्ययन नहीं होता है, बल्कि उसका अचेतन मन में जो बातें वो प्रकट नहीं करता है, उसका अध्ययन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति अपनी भावनाएं, रुचियां, अभिवृत्ति किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में कि ये प्रक्षेपी विधियां हैं क्या। ठीक है, अगर हम प्रक्षेपी विधियों की बात करें तो सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? प्रयोग सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड महोदय ने किया था। ठीक, इसका प्रयोग सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड महोदय ने किया था, क्योंकि चेतन, अचेतन, अवचेतन इन मन, इस मन के बारे में अध्ययन भी मनोविश्लेषण विधि के द्वारा सिगमंड फ्रायड महोदय ने ही किया था। तो अचेतन मन का चूंकि ये अध्ययन है, तो इस प्रक्षेपी विधियों का या प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड ने किया था। इस कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, ये रीट के एग्जाम में आ चुका है, सी टेट में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये विधियाँ। ठीक है, इसको पढ़िएगा जरूर, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, प्रक्षेपी विधियाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम प्रक्षेपी विधियों पे आते हैं। प्रक्षेपी विधियों में हम अचेतन मन का अध्ययन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्ति की जो विचार भावनाएं जो होती हैं उसकी, वो अगर हम बात करें तो अचेतन मन में 90% बातें होती हैं, चेतन मन में 10%। ठीक है, तो उसके व्यक्तित्व की, अगर हम व्यक्तित्व का अध्ययन करना चाहें तो सबसे उपयोगी अचेतन मन का अध्ययन करना माना जाता है। ठीक है, अचेतन मन में उसकी दमित इच्छाएं, भावनाएं, ये सब कुछ रहती हैं, जो उसका वास्तविक रूप होता है। ठीक है, व्यक्ति का वास्तविक रूप ज्यादा कहाँ होता है? अचेतन मन में। ठीक है, तो अचेतन, इसी वजह से प्रक्षेपी विधियों को काफी यूजफुल भी माना जाता है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में जरूर आती हैं। अब हम इसके अलावा प्रक्षेपी विधियों की कुछ छोटी छोटी विधियां, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, नोट डाउन करिए। व्यक्ति के अचेतन मन में ही उसकी क्या क्या चीजें होती हैं? रुचियां, ये भी नोट कर लीजिएगा, संवेग, दमित इच्छा, मूल प्रवृत्तियां, अभिवृत्ति। ठीक, ये सारी चीजें अचेतन मन में ही वास करती हैं। अब इसको रब करती हूँ।
अब हम अगर इसके विधियों की बात करें, प्रक्षेपी विधियों की, तो कुछ छोटी छोटी विधियां हैं। चित्र निर्माण विधि, साहचर्य विधि, ये छोटी छोटी विधियां हैं, सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ। रचना विधि और अभी व्यक्ति विधि, इनका प्रयोग भी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। पहले आता है क्रम विधि। क्रम विधि में बच्चों किसी भी जिस बालक का या व्यक्ति का परीक्षण करना होता है, उसके सामने फल, मिठाई, खिलौने आदि रख दिए जाते हैं। तो इनको रखने के बाद उस बच्चे को क्रम से लगाने को कहा जाता है। तो बच्चा अपनी रुचि, कुछ बताया नहीं जाता है कि कौन सी चीजें आपको प्राथमिकता देनी है, तो बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार जिन चीजों को उठाकर पहले क्रम रखता है, पहले से पीछे के सॉरी क्रम में जाते हुए जिस प्रकार की चीजों को वो आगे से पीछे रखते हुए जाता है, उस हिसाब से हम उसका व्यक्तित्व उस प्रकार का मान लेते हैं। ठीक। दूसरा आता है चित्र निर्माण विधि। तो इसमें जैसे एक व्यक्ति को अधूरा चित्र दे दिया गया, अब इसको पूरा करने को कहा गया, तो बच्चे ने मान लिया ऐसे बना के पंडित का ऐसे चित्र बना दिया, तो ये माना जाता है कि बच्चा धार्मिक प्रवृत्ति का है। अगर इसके अलावा बच्चे ऐसा ही चित्र दिया गया, बच्चे ऐसा कुछ बना दिया, तो हाँ थोड़ा भड़काऊ, यानी उस डाकुओं को पसंद करने वाला, इधर उधर शोर शराबे में ज्यादा मन लगाने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से उसका व्यक्तित्व मान लिया जाता है। ठीक। फिर आता है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि में कुछ शब्द उसको दिए जाते हैं और उसको कुछ शब्द बनाने रहते हैं। ठीक है। तो वो शब्दों को रिलेट करके कुछ नए शब्द बनाता है, तो जिस तरह के वो शब्द बनाता है, उस प्रकार का उसका व्यक्तित्व मान लिया जाता है। ठीक। उसी प्रकार रचना विधि। रचना विधि में उसे कुछ शब्दांश दिए जाते हैं या वाक्यांश दिए जाते हैं, उसके आधार पर उसको कुछ रचना करनी होती है, तो जिस प्रकार की वो कविता या कहानी की रचना करता है, चाहे मार्मिक करता है या बहुत लड़ाई झगड़े वाली करता है, जिस प्रकार की कविता या कहानी की रचना करता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व मान लिया जाता है। फिर आता है अभिव्यक्ति विधि। अभिव्यक्ति विधि में कुछ उस शब्द या शब्द उसको दे दिए जाते हैं, कुछ कार्ड या चित्र दे दिए जाते हैं, कुछ भी टॉपिक उसको दे दिया जाता है, उस पे उसको उसकी अभिव्यक्ति करने को कहा जाता है, उसके बारे में उसको बोलने या बताने को कहा जाता है। तो उसके बारे में जो कहानी बनाकर या कोई चीज बताकर व्यक्ति अपनी बच्चा अभिव्यक्ति करता है, उस प्रकार का उसका व्यक्तित्व मान लिया जाता है। ठीक है। ये छोटी छोटी विधियां हैं, एग्जाम में आती नहीं है, पर हाँ अगर हम 11th 12th ग्रेजुएशन या पीजी या नेट आदि की बात करें, तो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, या कई बार इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं। ओके। अब हम प्रक्षेपी विधियों की और प्रमुख विधियों की बात करेंगे। नोट डाउन जरूर करिएगा, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। हाँ, अब प्रक्षेपी विधियों में अगर हम मेन विधियों की बात करें, तो TAT टेस्ट है। ठीक। TAT है, IBT है, हाँ अब इसके हम फुल फॉर्म की अगर बात करें, तो थेमेटिक अपर सेप्शन टेस्ट है, सीटी की बात करें तो परसेप्शन टेस्ट
और इसकी बात करें तो काफी फेमस टेस्ट है, आप सबको पता होगा, विंग ब्लॉक टेस्ट। एक और बचा है, SCT है। सेंटेंस्ड, सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट। ठीक, ये चार तरह के टेस्ट है, प्रक्षेपी विधियों में काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कई बार पूछे गए हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे जिस तरह का एग्जाम हो, चाहे टीचिंग रिलेटेड हो या नॉन टीचिंग रिलेटेड हो, सभी तरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं TAT टेस्ट। ठीक, फुल फॉर्म आपने देख ही लिया, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा। ठीक, अब हम इसके प्रतिपादक और सन की बात कर लेते हैं। ठीक, प्रतिपादक और किस सन में आया, इसके प्रतिपादक मार्गन एवं मुर्रे थे। ठीक, 1935 में आया। ठीक, ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो होता है, इसमें कार्डों के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। किस पे, कार्डों आधार पर। ठीक, इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है, कार्डों की संख्या 30+1 यानी कि 31 होती है। अब ये 31 कार्ड कैसे होते हैं देख लीजिए, इसमें 10 कार्ड पुरुषों से संबंधित, ठीक, 10 कार्ड स्त्रियों से संबंधित तथा 10 कार्ड दोनों से संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है, इसमें 30 कार्ड दिए जाते हैं, जिसमें 10 महिलाओं का चित्र होता है, 10 में पुरुषों का चित्र होता है और 10 में दोनों से संबंधित चित्र होते हैं। ठीक है, फिर बच्चे, एक बालक का जिसका टेस्ट लिया जाता है, वो बालक कितना, किस उम्र के लिए, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है। ठीक, तो जो ये चित्र दिए जाते हैं, ये चित्र कुछ इस तरह के होते हैं कि जैसे मान लिया कोई दूर खेती करता हुआ किसान, कोई बंदूक लिया हुआ लड़का, या सर पर हाथ रख के लड़का, सर पर हाथ रखकर बंदूक लिए लड़का, कोई अपना खेल का इंस्ट्रूमेंट लिए या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए लड़का, या अगर महिलाओं की बात करें तो कभी कोई चिंता में गाल पे हाथ रखी हुई युवती, कोई सर पे हाथ रख के दरवाजा थामे हुई युवती, या कोई कार्य करती हुई युवती, या पुरुषों के कार्य करती हुई युवती, या दोनों का जो मिला जुला रूप होता है उसमें स्त्री पुरुष को साथ में बात करते हुए या आपस में झगड़ते हुए, ऐसा कुछ चित्र दिया होता है। तो बच्चे को इस चित्र के आधार पर जो 31वां कार्ड होता है, ऊपर का थोड़ा सा रब करती हूँ, बच्चे को चित्र के आधार पर अपने मन से
लिखने को कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चा अपनी इच्छा के आधार पर कोई एक कार्ड, मतलब कई कार्ड उसको दिखाए जाते हैं, उसको दिखाया जाता है, तो वो उसमें से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करता है। उसके आधार पर मोस्टली 10 कार्ड ही एक बार में यूज होते हैं। बच्चे को दिखाकर उसे कहानी लिखने को कहा जाता है। तो वो अपनी इच्छा, अपने भाव, अपनी रुचियों या अपनी मनोवृत्तियों के आधार पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कहानी लिखता है कि ये